दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पंच कार्ड के बारे में और हम जानेंगे कि किस तरह इसका यूज डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित, आप देख रहे हैं टेक नंदन। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों पंच कार्ड, जिसको हम होल लेरिथ कार्ड और IBM कार्ड भी कहते हैं, यह एक हार्ड पेपर का बना कार्ड होता है जिसका यूज हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। इस कार्ड में जगह जगह कुछ सुराग होते हैं जिनको बाइनरी फॉर्म में एक तरह की पंचिंग मशीन का यूज करके डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों पंच कार्ड का आविष्कार हरमन होल लेरिथ ने किया था। यह इतना कैपेबल था कि इसे अमेरिका की जनगणना में डेटा को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। पंच कार्ड 20वीं सेंचुरी से ही इंडस्ट्रीज में काफ़ी इस्तेमाल में है। इसका यूज मशीन के रिकॉर्ड्स, डेटा प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये तो हुआ पंच कार्ड के बारे में, अब जान लेते हैं ये काम कैसे करता है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी डिजिट में यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करता है। जब कोई कंप्यूटर पंच कार्ड मशीन को डेटा का इनपुट देता है तब पंच कार्ड मशीन बाइनरी डिजिट यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में डेटा को पंच कार्ड में स्टोर करने लगती है। इसमें जहां सुराग है उसका मतलब होता है 0 और जहां कोई सुराग नहीं तो उसका मतलब होता है 1। दोस्तों इस तरह 0101110 की फॉर्म में डेटा को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता है। दोस्तों बस फिलहाल के लिए ही इतना इस वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आते तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।